हेलो प्यारे बच्चों और बहुत ही प्यारे टीचर्स, हम सब जो प्राइमरी बच्चों को डील कर रहे हैं, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत। इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बबली तिवारी फॉर प्राइमरी क्लासेस। और हम लोग जैसे फोनिक्स पे चल रहे थे और हमने एक ड्रीम लिया था कि बच्चे रीडिंग करेंगे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट्स पे हमने किया था पी तक, और आज हम देखेंगे क्यू आर एस टी यू। बस इतने ही अक्षर हैं जिनकी ध्वनि हम लोग पहचानेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप चाहूँगी कि आप सबको रिक्वेस्ट करूँ और आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और रेड आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब जब मैं इनको अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्यू से क्या ध्वनि आती है, क्व। और यहां पे हम देख रहे हैं एक रानी का चेहरा जिसके ऊपर ताज लगा हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं क्वीन। तो क्यू अगर हो तो उसकी आवाज आएगी क्व की, और क्यू क्व क्वीन। आर आर र से र की आवाज आती है, और हम देखते हैं गुलाब का फूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोज। रोज र की आवाज आती है, इसका मतलब ये शुरू होगा अक्षर आर से। आर र रोज। एस 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 स सन, मुस्कुराता हुआ। हमारे बच्चे भी जब रीडिंग करेंगे तो जरूर वो ब्राइट लगेंगे, स्माइलिंग लगेंगे, लाइक द सन। टी टी से आवाज आएगी ट की, और हिंदी में हम कहते हैं टमाटर, और इंग्लिश में भी बिल्कुल शब्द है टमाटो। टी ट टमाटो। यू देख लेते हैं, यू से किसकी ध्वनि आएगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यू यू ऐसे आएगा। यू से आएगी अ अम्ब्रेला। यू अ अम्ब्रेला। चलिए रिपीट करते हैं अभी से। क्यू क्व क्वीन। आर र रोज। एस स सन। टमेटो। आप देख रहे टमेटो किसकी आवाज है शुरू में, ट की। तो टी फॉर टमेटो ना होकर हम क्या बोलेंगे, टी ट टमेटो। यू अ अम्ब्रेला। यू अ अम्ब्रेला। अब हम आगे आज के शब्दों को लिखते हैं। आज के शब्द हमारे होंगे क्वीन, रोज, सन, टोमेटो, अम्ब्रेला। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स हम लोग इनको रोज देखेंगे। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन ध्वनियों की प्रैक्टिस दिन में कई बार करवाएं, मिक्स एंड मैच करके बच्चों को बुलवाएं, ताकि बच्चे पहचाने कि जब ये अक्षर होंगे तो ये ध्वनियाँ होंगी। बाद में हम बीच में ये भी हटा देंगे, केवल बच्चों से सीधी सीधी ध्वनियाँ पूछे। इसमें हम और भी कर सकते हैं, जैसे आर र, तो हम कहें रैट। अगर हम फादर ले लें फादर, तो र की आवाज कहाँ आएगी, फादर। जहां पे आर होगी वहां पे र की ध्वनि होगी। तो जगह जगह हम बच्चों को इन अक्षरों की ध्वनियों को भी पहचान करवाएंगे, शब्दों के बीच में होंगे अक्षर,
वो ध्वनि बच्चों को बुलवाएंगे तो जरूर बच्चे जब रीडिंग करेंगे तो बच्चे पहचानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी यू के साथ हम लोग आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको गुड बाय कहने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत टीचर्स को, बहुत बच्चों को बहुत लाभ हो, हम सब जगह पहुँच पाएँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन एंड आई लव यू एंड योर टीचर्स वेरी मच।